कथा टीवी पे देख ले। तो कितना टाइम में लोग बेहोश हो गई थी, इसीलिए हम लोग निकल गए। गर्मी काफी ज्यादा था। हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में। और अभी हम आ चुके हैं समस्तीपुर का सरारंजन प्रखंड के अंतर्गत उदयपुर, जहां पर डॉक्टर श्री अनिरुद्ध आचार्य महाराज जी का जो भगवत कथा होने वाला है, उस कथा में हम चलते हैं। तमाम चीज़ आप लोग को दिखाते हैं कि आखिर वहां पर कितना श्रद्धालु आए हैं, उनको चाहने वाले आए हैं। तमाम चीज़ को आप लोग को दिखाएंगे बताएंगे। और यहाँ पर देख पाइए कुछ दृश्य इस प्रकार से है, लोगों का जो आवागमन है वो चालू है। और हम भी चल के आप लोग को दिखाते हैं कि आखिर वहाँ चल के कितना ज़्यादा भीड़ है और कितना लोग वहाँ पर उपस्थित हुए हैं, कहाँ कहाँ से लोग आए हुए हैं। तमाम चीज़ को आप लोग को दिखाते हैं बताते हैं। जैसा आप लोग दृश्य देख पा रहे हैं, समस्तीपुर का उदयपुर जो सरारंजन प्रखंड के अंतर्गत आता है, यहाँ पर भीड़ देख पाइएगा लाखों लोग। और अभी जो टाइमिंग है 1 से 4, वो अभी टाइमिंग भी नहीं हुआ है और भीड़ देख पाइएगा इतना ज़्यादा जो कुछ कहने लायक नहीं है। और उतना ही ज़्यादा भीषण गर्मी का सामना करते हुए यहाँ पर देख पाइएगा लोग सब तक। जरा जी कैसे बाहर चल जाए हमारे के मोड़े के जरा जी कैसे बाहर चल जाए। जैसा देख पा रहे हैं हम मेला और जो पंडाल था उससे हम निकल चुके हैं। और अगर आते हैं तो यही दृश्य आप लोग को देखने को मिलेगा। एक रास्ता इधर से निकलती है और एक जो मेन जो जहां पर कथा हो रहा है वहां से निकलती है। और अभी भी देख पाइए कि बहुत सारे लोग अभी आ ही रहे हैं, क्योंकि जो पीछे पड़ चुके हैं वो आ रहे हैं। और जो यहां पर जिनको मैंने जगह नहीं मिला, काफ़ी दूर हो गए, वो लोग सब अपना निकल कर जा रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो आए सिर्फ महाराज जी का दर्शन किए और दर्शन करने के बाद आप लोग चल दिए। क्यों चल दिए? बहुत भीड़ है, रुके नहीं? नहीं। क्या नाम हुआ आपका? रूबी शर्मा। बोलिए बोलिए, निसंतोष बोलिए। हाँ, रूबी शर्मा। तो निकल क्यों गए? बहुत गर्मी है, आदमी सब बहुत लोग हो रहा है। हाँ, बहुत लोग होते हैं जो आना चाहते हैं, कथा सुनना चाहते हैं, उनको दर्शन करना चाहते हैं महाराज जी को। दर्शन कर लिए हैं, दर्शन कर लिए, कथा टीवी पे देख ले। अच्छा अच्छा। तो कितना टाइम में लोग बेहोश हो गई थी, इसीलिए हम लोग निकल गए। गर्मी काफी ज्यादा था, देख पा रहे हैं लोग चल दिए इसीलिए कि जो लोग नहीं दर्शन किए हैं वो दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, और जो दर्शन कर लिए हैं वो आखिरकार निकल के चल दिए हैं, क्योंकि भीड़ इतना काफ़ी ज़्यादा है जो खासकर महिलाओं से संभव नहीं है उतना देर रुकना। और जो देखना चाहते हैं वो चैनल के माध्यम से, तमाम चैनल के माध्यम से लाइव चल रहा है, उसके माध्यम से देख सकते हैं। परंतु वहाँ पर रुकना बड़ी मुश्किल, बहुत कठिनाई का सामना करके हम भी घुसे थे, लेकिन फिर भी हम निकल चुके हैं। और यहाँ पर देख पाइएगा लोग सब का जो आवागमन होता है चल ही रहा है। क्या कुछ कहना चाहिएगा? हाँ, कहना चाहेंगे कि लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, बैठने की व्यवस्था नहीं है क्या? क्या ज़्यादा भीड़ है क्या है? जितना पंडाल बनाया गया था उससे काफ़ी ज़्यादा लोग पहुंच चुके हैं। तो फिर कैसे होगा? यही होता है कि लोग टीवी के माध्यम से, चैनल के माध्यम से देखते हैं, लेकिन साक्षात नहीं दर्शन किए हुए रहते हैं, दर्शन करके लोग चल देते हैं। आप भी जा रहे हैं? हाँ, हम भी जा रहे हैं दर्शन करने को। अच्छा अच्छा, ठीक है। क्या क्या संदेश आप देना चाहेंगे जो लोग अभी लेट सेट आते हैं उनको? नहीं, लेट सेट नहीं है, सारे समय पे आ जा रहे हैं। जिनका जो समय नियत है दर्शन का, वही नियत उनको हो रहा है। अच्छा, इसमें आपको सोचना समझना नहीं है, दर्शन एक पल का हो या 10 पल का, दर्शन तो दर्शन है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उसके जो अंदर में जितना भीड़ है उसमें रुकना बहुत कठिनाई से भरा हुआ है, क्योंकि भीषण गर्मी, उसके बाद उतना भीड़, संभव नहीं है सबके उस 4-4 घंटा उसमें रुकना।
क्या कीजिए, तपस्या है, तपस्या करनी पड़ेगी आपको। यदि भगवान के पास जाना है तो तपस्या करनी पड़ेगी, तब करना पड़ेगा, यश करना पड़ेगा, भजन करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसा देखे अंकल जी बतलाए कि आपको अगर दर्शन करना है तो आपको तपस्या करनी पड़ेगी, क्योंकि उतना भीड़ से भीड़ में संघर्ष करके रुकना पड़ेगा, कठिनाई हो परेशानी हो उससे कोई उतना मतलब नहीं। अगर आपको कथा सुनना है, रुकना है, तो भीड़ का सामना करना पड़ेगा। और हालांकि हम चल चुके हैं, क्योंकि हमसे संभव नहीं था उतना भीड़ में रुकना, जिस कारण से हम उतना देर रुक नहीं पाए। और आप लोग को बतलाना चाहेंगे कि अगर आप लोग आगे जाना चाहते हैं तो सुबह में 6 से 7 बजे अगर आते हैं तो आगे में आप जा पाइएगा। और जाने के बाद, आगे में जाने के बाद आप लोग को बतला दें कि उतना आपको क्षमता होनी चाहिए, जो 7 घंटा 8 घंटा अगर आप रुकने की क्षमता हो, बर्दाश्त करने की क्षमता हो, तब जा करके पूरा कथा का आनंद आप लोग ले पाइएगा। अन्यथा जिस तरह से लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, निकल के जा रहे हैं, इसी तरह से आप लोग भी दर्शन कर पाएंगे और उसके बाद वहाँ भीड़ से बच के आप लोग घर को जा सकते हैं। और इसी तरह का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।